सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा SBI PO का, कैसा इंटरव्यू हुआ, कैसे क्वेश्चंस पूछे। और क्वेश्चन से पहले सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने जस्ट बाद हमें बोला कि आप हमारे साथ चलिए, वो हमें नीचे वाले रूम्स में ले आए। एंड मेरा नंबर था सेकेंड, सो मतलब फर्स्ट पर्सन एक मेरे से पहले गया इंटरव्यू के लिए और उसके बाद जस्ट मेरा नंबर था मेरे ग्रुप में। तो हमें जाके बाहर सोफ़ास पे बिठा दिया एंड देन उसी टाइम 5 मिनट के अंदर हमारा नंबर आ गया। हम दोनों तीनों लोगों को चेयरमैन सर के रूम के बाहर बिठा दिया क्योंकि चेयरमैन सर के रूम में ही हमारा इंटरव्यू था। एंड आई होप कि चेयरमैन सर ही इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे एंड उनके साथ टोटल जो मेंबर्स थे पैनल के वो थे 5, चेयरमैन सर को इंक्लूड करके। सो सेटिंग ऐसे थी कि फ्रंट में एक सर थे, चेयरमैन सर, एंड देन एक मैम थी, एंड देन लेफ्ट साइड पे एक सर थे एंड राइट साइड पे एक सरदार जी थे एंड उनके साथ एक सर थे। तो टोटल 5 मेंबर्स हो गए पैनल में। चेयरमैन सर के रूम में इंटरव्यू था एंड मैं बताता हूँ कि मेरा जो है लास्ट ईयर रिजर्व लिस्ट में कैनरा बैंक PO में मुझे सिलेक्शन मिला था। मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन करी थी बट फैमिली रीजंस की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी थी जो मैंने अपने बायोडाटा फॉर्म में मेंशन किया था। एंड सबसे पहले जाते चेयरमैन सर ने मुझसे वही क्वेश्चन पूछा। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन सबसे पहले जाते ही वही क्वेश्चन पूछा कि आपने कैनरा बैंक में जॉब करी थी तो मतलब आपकी जॉब लगी थी तो आपने ज्वाइन करी, क्या करा, क्या कैसे करा, कहाँ पे पोस्टिंग थी। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करी। देन उसके बाद वो मूव ऑन कर गए मेरी हॉबीज़ पे क्योंकि मैंने हॉबीज़ में मेंशन करा था कि मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने वहाँ से चेयरमैन सर ने ही लीड लिया एंड वहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछे SBI के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, SBI का शेयर प्राइस क्या है, एंड बैलेंस शीट से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि बैलेंस शीट SBI की कैसी है, क्या उसका साइज़ है बैलेंस शीट का। एंड देन जो मैम बैठी थी, देन सर ने मैम को पास ऑन कर दिया चांस एंड मैम ने भी मेरे से हॉबीज़ पे क्वेश्चन पूछे। तो फाइनेंशियल मार्केट पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड जो येस बैंक के हैं वो न्यूज़ में थे उस पर क्वेश्चन पूछा। देन FPI, FII के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा, बेजल नॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे मैम ने भी, चेयरमैन सर ने भी, दोनों ने मिलके फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे। एंड देन उन्होंने पास ऑन कर दिया जो सुधार जी बैठे थे उनके पास। उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन पूछे जितना मुझे याद है। उन्होंने मेन क्वेश्चन जो पूछा था वो था मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो लॉस होता है वो क्या होता है एंड बैंक में उसका अभी क्या कोई रिसेंट न्यूज़ है या नहीं। तो मैंने मार्क टू मार्केट एक्सप्लेन कर दिया था बट बैंक रिलेटेड नहीं बताता मुझे, तो मैंने मना कर दिया कि सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कुछ क्वेश्चन चेयरमैन सर ने भी पूछे थे जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया था कि सर इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। एंड देन इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे, हॉबीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, मेरी जॉब प्रोफाइल के ऊपर जो मैंने जॉब ज्वाइन करी थी उसके ऊपर क्वेश्चन थे। एंड लास्ट में एक सर जो लेफ्ट साइड में बैठे थे चेयरमैन सर के लेफ्ट साइड में, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा लास्ट में जाते जाते कि सच सच बताना रोहित कि अगर हम आपको अब त्रिपुरा पोस्टिंग देंगे तो क्या आप ज्वाइन करोगे। तो मैंने एक दो सेकंड सोचा और मैंने बोला कि हाँ सर मैं पक्का ज्वाइन करूँगा एंड क्योंकि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पहले किसी सिचुएशन की वजह से मैं छोड़ा आया था लेकिन अब मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। सो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया एंड मुझे लगता है कि इंटरव्यू आपके बायोडाटा फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसके क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू के। तो बायोडाटा फॉर्म में आप अच्छे से मेंशन करो एंड आप ड्राइव कर सकते हो अपना इंटरव्यू, काफ़ी हद तक आप उनको कंटेंट दे सकते हो डिस्कस करने के लिए क्योंकि वो आपके बारे में ही पूछेंगे और आप जो बताओगे बायोडाटा फॉर्म में वो उसी से पूछेंगे। तो बड़े अच्छे से आप अपनी बायोडाटा फॉर्म को फिल करो, आप अपनी हॉबीज़ में ज़्यादा मेंशन कर सकते हो एंड मुझे लगता है कि आपके पर्सनल क्वेश्चन ही ज़्यादा होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी वो पूछेंगे लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया फाइनेंशियल मार्केट तो उन्होंने तब जाके टेक्निकल पे स्विच करें, अदरवाइज़ वो आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड ज़्यादा पूछना प्रेफर करेंगे, वो आपको जानना प्रेफर करेंगे। और टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं तो उसके लिए भी पढ़ के जाओ, प्रिपेयर्ड होके जाओ इंटरव्यू के लिए। और ये पूरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मार्क्स मैं काफ़ी अच्छे नहीं तो एवरेज तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड देखते हैं रिजल्ट वाले दिन क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड हैव अ ग्रेट डे।